हेलो दोस्तों, मैं नासिर अंसारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फैशनेट क्रिएशंस में। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमारे कर्मों के फल हमें ऐसे ढूंढ लेते हैं जैसे सैकड़ों गायों की भीड़ में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। दोस्तों, मुझे याद है एक शिकारी जो शिकार में इतना पारंगत हो चुका था कि जब कभी भी शिकार के लिए जंगल में जाता तो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। वो इतना कमाल का शिकारी था और उसके शिकार की जो कला थी बिल्कुल ही अलग थी। दोस्तों, वो पत्तों की सरसराहट की आवाज़ सुनकर, पत्तों की झनझनाहट की आवाज़ सुनकर तीर चलाता बिना देखे और शिकार को ढेर कर देता था। दोस्तों, अभी शिकारी की उम्र हो चली थी, इसने सोचा क्यों ना अपने बच्चे को भी ये शिकार का हुनर सिखाया जाए। अभी अपने बच्चे को भी अपने साथ ले जाने लगा और शिकार की कला सिखाने लगा। उसको बताता था तीर कैसे चलाते हैं, निशाना कैसे लगाते हैं, आवाज़ सुनकर निशाना कैसे लगाते हैं, बिना देखे निशाना कैसे लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको सिखाने लगा और रोज़ अपने साथ लेकर जाने लगा। शिकारी का बच्चा भी बड़ा इम्प्रेस था अपने बाप से। घर में आके अपनी माँ से बताया कि पापा क्या कमाल के शिकारी हैं, बिना देखे ही तीर चला देते हैं और बिल्कुल निशाने पर जाकर तीर लगता है और शिकार ढेर हो जाता है। दोस्तों, एक दिन बड़ा सुहावना मौसम था, प्राकृतिक सौंदर्य, बहुत ही खूबसूरत मौसम, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ये शिकारी अकेला ही शिकार के लिए निकल गया। इस शिकारी को मौसम की सुंदरता से क्या मतलब, इसे तो मतलब था अपने शिकार से। दोस्तों, ये जंगल में शिकार के लिए चला। इसने देखा एक हिरन का छोटा सा बच्चा, बड़ा ही खूबसूरत बच्चा, इतना सुंदर बच्चा, इतना सुंदर बच्चा कि कोई भी अगर उसे देखे तो मंत्रमुग्ध हो जाए। मगर इसको इससे क्या मतलब था, इसने तीर निकाला, मारा टकाक से, वो बच्चे के जाकर लगाया गले में और वो नीचे तड़पता हुआ नीचे गिर गया। वहीं थोड़ी दूर पर उस बच्चे की माँ यानी हिरनी वो खड़ी भी देख रही थी। वो जल्दी से भाग के उसके पास आई, वो किसी भी हालत में अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। उसे पता था कि सामने शिकारी खड़ा है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। अपने बच्चे के पास आई और उसके जख्म को अपनी जीभ से चाटने लगी, क्योंकि किसी भी हालत में अपने बच्चे को बचाना चाहती। शिकारी तो खुश हो गया, उसने कहा वाह, आज तो दो दो शिकार लेके जाऊंगा। उसने दूसरा तीर निकाला, टकाक से मारा उसको, वो भी वहीं गिर गई। तड़पते हुए हिरन भी नीचे गिर गई और दोनों मर गए। दोस्तों, तभी एक और सनसनाहट की आवाज़ आई झाड़ियों के पीछे से। शिकारी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी आदत थी, वो बिना देखे निशाना तीर चला देता था और शिकार को ढेर कर देता था। उसने वही किया, तीर चलाया बिना देखे, टटाक, और तीर लग भी गया जाकर निशाने पर। लेकिन दोस्तों, इस बार तड़पने की आवाज किसी जानवर की नहीं थी, इस बार तड़पने की आवाज थी इंसान की। इसने आवाज सुनी और ये उसकी तरफ भागा, शिकार की तरफ भागा। जाकर क्या देखता है, उसका अपना ही बच्चा तड़प तड़प कर जान दे बैठा। उसके यहां पर तीर लगा हुआ था दोस्तों, और जैसे ही उसके पास गया तब तक वो मर चुका था। जो बच्चा इसको ढूंढता ढूंढता जंगल आ पहुंचा था। दोस्तों, शिकारी ये देखकर सन्न रह गया, बिल्कुल उसके हाथ पैर उन्होंने काम ही करना बंद कर दिया। दोस्तों, वो बिल्कुल ऐसे नीचे जमीन पर बैठा और अपने बच्चे को देखता रहा। तो पीछे से एक आवाज आई, जो अंतरात्मा की आवाज कहते हैं ना, वो एक आवाज आई कि पता चला जब अपनों की मौत अपने सामने होती है तो कैसा लगता है। आज शायद तुम्हें यह एहसास हो गया होगा, क्योंकि शिकारी ने थोड़ी देर पहले ही एक मां और उसके बच्चे को मार दिया था। तभी एक सनसनाहट की आवाज, सरसराहट की आवाज झाड़ियों के पीछे से आई। इस शिकारी ने सोचा कि शायद हिरन होगा, लेकिन दोस्तों वो हिरन नहीं था इस बार, इस बार था टाइगर। उसने ऐसे अटैक किया शिकारी के ऊपर और शिकारी मरकर ढेर हो गया।
दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों के फल हमारे सामने इसी जिंदगी में ज़रूर आते हैं। बचपन से हम एक बात सुनते आ रहे हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। दोस्तों हमारे कर्मों के फल हमें ठीक वैसे ही ढूंढ लेते हैं जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों की भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। दोस्तों जन्नत मिलेगी, दोजख मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, ये सब बाद की बातें हैं। जो भी हम करते हैं यहाँ पे, जैसे भी कर्म हम दुनिया में करते हैं, उसका फल हमें दुनिया में ही भुगतना पड़ता है। अगर बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और हाँ अगर आप नए हैं मेरे चैनल के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।